वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरी दीदी का आईब्रो भात है। तो आप सबको पता है, प्रीवियस ब्लॉग में मैंने शेयर किया था माय सिस्टर इज गेटिंग मैरिड, तो आज उसका आईब्रो भात सेलिब्रेट करेंगे हम घर पे। एंड आप सबको वो कैसी लगी है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस ब्लॉग ये ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज सुबह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली घर पे बहुत ज़्यादा काम था, डेकोरेशन का काम हो रहा है टेरेस पे, और आईब्रो भात है मतलब जितना खाना दीदी को पसंद है सब घर पे बनेगा, तो मम्मी बना रही थी और छोटी भी है, सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हम लोग ये छोटा सा ही घर पे फंक्शन, यू नो, फैमिली टाइप्स फंक्शन कर रहे हैं, तो ऊपर ना सेटअप चल रहा है उस रूम पे जहाँ पर आज आईब्रो भात सेलिब्रेशन होगा, उस रूम पे, वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। बहुत तेज अचानक बारिश स्टार्ट हो गई और घर पे कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो लाइट का एक शेप टाइप्स लाने के लिए रूम में ही, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा सेटअप हो रहा है। इसके लिए ही हम वेट कर रहे हैं, जब सेटअप कंप्लीट हो जाएगा ना तब हम लोग खाना वगैरह सब कुछ लेकर आएंगे एंड उसका भी हम लोग सेटअप वगैरह करेंगे एंड फिर थोड़ा सा फोटोशूट होगा एंड फिर सेरेमनी स्टार्ट होगा। कैमन लगता लगी देना तो सब ही वीडियो हो जाए ठीक। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. छोटी हाय बोलो। हाय। हाय बोलो। तुम बोलो हाय। I will remember
স্পাইসি খাবে শুধু বেশি দিও না অল্প দাও খাও আরো হা করে বসে सो गाइज हमने लंच तो कर लिया है, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और फोटोशूट में ना इतना टाइम वेस्ट हो गया, मतलब टाइम लग गया ना फोटोशूट में कि लंच हो करने में बहुत ज़्यादा देर हो गई. एंड काफ़ी अच्छा था, हमारा जो फोटोग्राफी का टीम है ना वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है और काफ़ी अच्छा लगा. फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा. सो अभी लंच वंच करके मैं ऊपर जा रही हूँ डेकोरेशन वगैरह देखने, क्योंकि छत पर डेकोरेशन हो रहा है. कल है मेहंदी का फंक्शन, तो मेहंदी फंक्शन के लिए डेकोरेशन हो रहा है. सो गाइज आपने देखा ऊपर डेकोरेशन हुआ है, मतलब अभी 70% हुआ है. अब वो जो कलरफुल चुन्नी टाइप्स लगा रहे हैं वो मेहंदी का सेटअप है. सब कुछ हमने अलग अलग से सेटअप रखा है, लाइक मेहंदी हल्दी सबका अलग अलग सेटअप है. तो लेट्स सी क्या फाइनल रिजल्ट आता है. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई होप जो हमने प्लान किया है वैसा ही पूरा बने. एंड अभी हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग के लिए निकलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट मिनट शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होती है शादी टाइम. तो शॉपिंग के लिए निकलेंगे एंड 9 बजे कर्फ्यू स्टार्ट हो जाएगा ना. बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है यहाँ पर, सो बिफोर 9 PM हमें सब कुछ कंप्लीट करना है. लास्ट मिनट कुछ शॉपिंग बचे हैं तो वो भी करेंगे. सो अभी बज रहे हैं 5 और आप लोगों ने देखा हम लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे, लास्ट मिनट रिहर्सल, क्योंकि जो कल है वो मेहंदी के बाद थोड़ा सा संगीत का फंक्शन रहेगा तो उसमें हम लोग डांस परफॉर्म करने वाले हैं. तो वही मैं अपनी दीदी के साथ प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि हम लोग परफॉर्म करेंगे. सो गाइस देयर इज अ चेंज इन प्लान. हम लोग शॉपिंग जा रहे थे लेकिन अभी थोड़ा सा डिले हो जाएगा क्योंकि ब्राइड टू बी जो है उसका फेशियल अभी तक नहीं हुआ है, ब्राइडल स्पेशल फेशियल. और जो पार्लर वाली जो दीदी है ना वो भी आज बिजी है, तो आज मैं ही घर पे उसका एक इंस्टेंट फेशियल कर रही हूँ. और आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक का ये 7-स्टेप फेशियल किट, जिसमें ये 7 स्टेप है जो कि बहुत ही ज़्यादा यू नो रिव्यूड एक फेशियल किट है. सो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद से इसे परचेज किया है एंड आज बहुत ही ज़्यादा जल्दी में है तो मैं जल्दी जल्दी इसका जो है ये फेशियल कर दूंगी, उसके बाद हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे. हम लोग यहाँ पर आए थे, कैसा लगा कलेक्शन? सो था, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी तो नहीं लिया हमने. अभी हम कहीं और जाएंगे. हाँ तो वहाँ पर देखेंगे.
আর তো ভালো লাগছে হচ্ছে এইটাই বেশি ভালো লাগছে না सो फाइनली शॉपिंग करके हम लोग घर वापस आ गए. तो वेडिंग शॉपिंग इतनी ज़्यादा की हमने कि हमें एक प्राइस टाइप्स मिला जो कि है ये बोरोसिल का 10 पीसेस वाला डिनर सेट. उसके साथ ना ये कप का सेट भी मिला है जो कि पेयर है. सो दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड. और हमारा जो एक्सपीरियंस था ना श्रीनिकेतन में वो बहुत अच्छा था. कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा है. सो गाइज वी आर बैक होम और अभी बज रहे हैं 8:30 और 9 बजे से कर्फ्यू है इसलिए जल्दी जल्दी आ गए. लेकिन बहुत ही अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस. ये जो शादी शॉपिंग है वो लगभग कंप्लीट होने को है. अभी भी कुछ कुछ चीज़ें बाकी है क्योंकि जो साड़ी हमने आज खरीदा है उसका ब्लाउज पीस भी बनाना है. एंड हमने सारा शॉपिंग श्रीनिकेतन से ही किया है और हमारा एक्सपीरियंस जो था ना वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. एंड गिफ्ट में तो हमें मिला है एक डिनर सेट और एक कॉफ़ी मग का सेट भी. सो वो भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है हमने ऑलरेडी. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा और अभी डिनर करके हम सो जाएंगे दैट्स इट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सभी टायर्ड हैं. सो व्लॉग पसंद आए तो मेक श्योर व्लॉग को लाइक करें शेयर करिए और इसी तरीके का व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. बाय.